रसोई गैस बंद, एलपीजी महंगी, सीएनजी नहीं, अब बिजली की तंगी। लेस्को ने सर्द मौसम में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। भपकी पावर प्लांट में फनी खराबी से 500 मेगावाट की कमी। सुई गैस के प्रेशर में कमी ने पहले ही चूल्हे ठंडे कर रखे हैं। एलपीजी माफिया ने कीमतें मनमानी सतह पर पहुंचा दी। सीएनजी स्टेशंस 12 रोज के लिए बंद, सार्फीन मुसलसल ख्वार। नए पाकिस्तान में पुरानी रवायत, बिजली की 5 घंटे गैर ऐलानिया बंदिश। महंगाई के सुनामी में जकड़ी आवाम की अश्के शोई का मंसूबा। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए लीटर तक कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल में 15 रुपए, लाइट डीजल में 2 रुपए लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए लीटर, मिट्टी के तेल में 25 पैसे कमी की तजवीज़। वजारत खजाना वजीर आजम इमरान खान से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार का लाहौर में शाम के औकात में ट्रैफिक जाम पर नोटिस। शादी पर बच्चियां खूबसूरत कपड़े पहनकर आती हैं, ट्रैफिक में फंस जाती हैं। कल रात मुझे शादी में जाना था, लोगों को ट्रैफिक में देखकर थक गया। चीफ जस्टिस का मेयर और डीसी लाहौर से मुकालमा। डीसी साहिबा, क्या शादी हॉल्स के औकात तब्दील नहीं हो सकते? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। हॉल्स के औकात शादी एक्ट के तहत बनाए गए, देखना होगा बदल सकते हैं या नहीं। सवाल सईद का जवाब। जिले इंतजामिया का औकात कार बढ़ाने पर गौर, हुकूमत से रहनुमाई लेने का फैसला। खोखर ब्रादरान कब्जा केस में लॉर्ड मेयर सुप्रीम कोर्ट में पेश। एंटी करप्शन टीम से तआवुन ना करने पर चीफ जस्टिस मेयर लाहौर पर बरहम। बराए नाम मेयर हूँ, कोई अफसर लिफ्ट नहीं करवाता, लाइट भी खराब हो जाए तो पैसे नहीं मिलते। इस्तदा है मुझे इख्तियार दिलवाएं, दिन रात काम करूंगा। मेयर लाहौर ने शिकायत के अंबार लगा दिए। आपको कोई शिकायत है तो दरख्वास्त दें, हम देखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खोखर ब्रादरान के खिलाफ तहकीकात में मुतल्लिका महकमों से तआवुन करने का हुक्म। टैक्स की अदम अदागी पर रहीम स्टोर को ताले लग गए। एफबीआर का इकबाल टाउन ब्रांच पर छापा, स्टोर का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर बंद कर दिया। स्टोर के अंदर से कंप्यूटर, लैपटॉप, रसीदें और अहम दस्तावेजात भी तहवील में ले ली। एफबीआर ने रहीम स्टोर की दोबारा सेल्स मॉनिटरिंग शुरू कर रखी है। 4 घंटे में 30 लाख रुपए सेल रिकॉर्ड हुई। सेल्स टैक्स चोरी करने वालों के लिए नया प्लान मुरतब। रहीम स्टोर के बाद जलाल सन्स की बारी। एफबीआर ने जलाल सन्स के मुख्तलिफ ब्रांचेस पर अपनी टीमें कायम कर दी। टीमें स्टोर की फी घंटा सेल्स का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब करेंगी। खोखर ब्रादरान के खिलाफ अराजी पर कब्जों से मुतालिक केस। कंसोलिडेशन ऑफिसर नवीद आलम और तहसीलदार हसीब सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार। शफीक खोखर भी पहले गिरफ्तार, बाद में वकील अहसन भून की मुदाखलत पर रहा। चीफ जस्टिस का महकमा रेवेन्यू और दीगर महकमों के मुलाविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। एलडीए खोखर पैलेस का दौरा करके रिपोर्ट जमा कराए। चीफ जस्टिस, जिले इंतजामिया का अड्डा प्लाट पर ऑपरेशन। शफीक खोखर के कब्जा से 1 करोड़ रुपए मालियती अराजी वागजा। लोग अस्पताल गाड़ी में आते हैं और गाड़ी बेचकर बिल अदा करते हैं। अस्पतालों की ABC ग्रेडिंग कहां से आ गई? चीफ जस्टिस के प्राइवेट अस्पतालों में जायद फीसों की वसूली के केस में रिमार्क। प्राइवेट अस्पतालों की इंतजामिया और हेल्थ केयर कमीशन फीसों के SOP तय करके रिपोर्ट दें। अदालत का हुक्म। LDA गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई करें सुप्रीम कोर्ट। तमाम सूबों की हाई कोर्ट्स और सिविल अदालतों को रेलवे के केसेस 2 माह में निपटाने का हुक्म। क्या रॉयल पाम का चार्ज फर्गुसन कंपनी ने संभाल लिया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। तमाम रिकॉर्ड कंपनी को दे दिया, क्लब के साबिका इंतजामिया का जवाब। रॉयल पाम क्लब का ऑडिट फर्गुसन नहीं, ऑडिटर जनरल करेगा। चीफ जस्टिस का हुक्म। चीफ जस्टिस की वजीर रेलवे को तमाम जेर अल्तवा केसेस की फहरिस्त फराहम करने की हदायत। रेलवे की कानूनी टीम का सरबराह रिकॉर्ड समेत तलब। चीफ जस्टिस ने 1990 के मुकदमात का 30 दिनों में फैसला करके रेलवे पर एहसान किया। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू।
पाकिस्तान है। मुरल टाउन में बड़ी पेशरफ्त, इस्तेगासा में शामिल पुलिस अफसरान वादा मुआफ गवाह बनने को तैयार। 3 से 4 सीनियर पुलिस अफसरान ने राबता किया, अवामी तहरीक की तस्दीक। पुलिस अफसरान जमीर पर बोझ होने के बायस वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार हुए, अवामी तहरीक। शहर की सबसे बड़ी शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी को मुंतकिल करने का मंसूबा। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने लाहौर कैटल कंपनी को टास्क सौंप दिया। मंडी को 200 से 300 एकड़ की नई जगह पर मुंतकिल किया जाए। महकमे बल्दियात को कैटल कंपनी की नई सिफारिशा तैयार करने की हदायत। घपले और मुफ्त काम नहीं चलेंगे, कैटल कंपनी तश्कीलें नौ करे, अब्दुल अलीम खान की वार्निंग। वफाकी वज़रा के सिंध में तब्दीली के दावे, फॉरवर्ड ब्लॉक की सदाएं। वज़ीर आला सिंध फौरी मुस्ताफी हो, वफाकी वज़रा का मुतालबा। सिंध में गवर्नर राज का इम्कान नहीं, फैसल वापडा और शेख रशीद की मुश्तरिका प्रेस कॉन्फ्रेंस। यकीन है बिलावल वालिद की पिच पर नहीं खेलेगा। आसिफ अली जरदारी के जुराइम पेश अफराद से राबते हैं, शेख रशीद। खसूसी कमेटी में नुमाइंदगी ना मिलने पर नून लीग बरहम। ओपोजिशन के इजलास में दाखिले पर पाबंदी से जमहूरियत नहीं चल सकती। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान और राणा मोहम्मद इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद खान कहते हैं कि माल रोड पर 35 से 40 गाड़ियां झंडे लगाकर घूमती हैं, मुआवने खसूसी भी झंडा लगाकर गाड़ियाँ भगाते हैं। ताजरों का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, हम इन्हें सपोर्ट करेंगे। करप्शन के खिलाफ पीटीआई हुकूमत की जीरो टॉलरेंस है, तमाम इदारों से करप्शन का खात्मा करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का ताजर कन्वेंशन से खिताब। मरकजी जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर की हुकूमत से गिले शिकवे, बोले हुकूमती इदारों की सख्तियों से तंग आ चुके। गवर्नर पंजाब मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें। महकमे बहबूद आबादी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, 3000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को 2 साल की तौसीह मिल गई। हुकूमत ने बहबूद आबादी के तमाम प्रोजेक्ट को जारी रखने के अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस अमीर भट्टी की साहबजादी की शादी की तकरीब। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट अनवारुल हक, नामजद चीफ जस्टिस सरदार शमीम की शिरकत। जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फरूख इरफान खान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, सेशन जज लाहौर मुनीर अहमद समेत दीगर जजेस भी शरीक। हंगामी सूरतेहाल से कैसे निपटा जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 3 रोजा वर्कशॉप इख्तिताम पजीर। डीजे रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। और लाहौर जिमखाना में मास्टर्स कप टेनिस टूर्नामेंट के मेंस डबल का फाइनल, इंटरनेशनल स्टार इसामुल हक और अकील खान की जोड़ी छाई रही। वुमेन और मेन सिंगल के फाइनल मुकाबले इतवार को खेले जाएंगे।